बिहार में कोई विकास नहीं हुआ है, बिहार में मुसलमानों को धोखा मिला है। असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश को बताया गद्दार, नीतीश ने बिहार की जनता को धोखा दिया। जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के बिहार के सीएम पद से इस्तीफे पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को धोखा दिया है। ओवैसी ने कहा कि तेजस्वी यादव और पीएम मोदी को बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि इन तीनों ने, खासकर नीतीश कुमार ने, बिहार की जनता को धोखा दिया है। ओवैसी ने कहा कि नीतीश कुमार ने राजनीतिक अवसरवादिता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा कहा था कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ जाएंगे। ओवैसी ने कहा कि मैं तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूं कि अब कैसा लग रहा है, तेजस्वी ने हमारे 4 विधायक छीने थे, क्या उन्हें अब भी वही दर्द महसूस हो रहा है। ओवैसी ने आगे कहा कि नीतीश कुमार जब तक जीवित हैं तब तक मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। भाजपा बस अपने लिए सब कुछ चाहती है किसी भी तरह से। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता को केवल धोखा मिला है, बिहार में कोई विकास नहीं हुआ है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि राज्य में नौकरशाही बढ़ रही है। ओवैसी ने कहा कि हमेशा से राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता का इस्तेमाल भारतीय मुसलमानों को धोखा देने के लिए किया जाता है और अब बिहार के मुसलमानों को फिर से धोखा दिया गया है।